अस्सलाम वालेकुम क्लास। माय नेम इज दुबैर इजाज। आज का जो टॉपिक है वो है डीजी सीमेंट। तो सबसे पहले जो डीजी सीमेंट के मुतालिक है वो है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि इसमें रजिस्टर ऑफिसेज है, ठीक है। वो सबसे पहले है हेडक्वार्टर निषाद हाउस 53A, यानी कि जो सबसे पहले वाला हेडक्वार्टर है, मेन हेडक्वार्टर वो है लाहौर, लॉरेंस रोड लाहौर पाकिस्तान। उसके बाद उसका एड्रेस है UAN, और फोन है, फैक्स है, ईमेल ये दिए हुए है। उसके बाद है रजिस्टर ऑफिस है डेरा गाजी खान फैक्ट्री साइट, यानी कि ये खोफली स्थाई डिस्ट्रिक्ट डीजी खान पाकिस्तान। इसका भी एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, फोन, फैक्स। उसके बाद है डीजी सीमेंट के बाद ओनर ऑफ डीजी सीमेंट, यानी कि डीजी सीमेंट का जो ओनर है, मालिक है, वो कौन है? वो है निषाद ग्रुप। निषाद ग्रुप के जो ओनर है वो है मियां मोहम्मद मंशा। इसकी 48.9% है। डीजी सीमेंट पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके मुतलक जो कुछ डिस्क्राइब हो रहा है, निषाद ग्रुप इज वन ऑफ द लीडिंग एंड मोस्ट डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप इन साउथ ईस्ट एशिया विद फिक्स्ड एसेट्स ऑफ ओवर 300 बिलियन। यानी कि निषाद ग्रुप जो एक ऐसा लीडिंग वन ऑफ द बिजनेस है, और कहाँ है ये? साउथ ईस्ट एशिया में एक फिक्स्ड या करंट जो 300 बिलियन है उसके एसेट्स है, और ये टॉप 5 में रैंक पर है, यानी कि टॉप 5 पर है ये पाकिस्तान। उसके बाद जो इसकी मार्केट शेयर है वो 12% है। उसके बाद डीलर जो है इनमें 2200 है, और इसकी रेटेड कैपेसिटी जो है वो 9% है। उसके बाद जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वो 10 है। उसके बाद इन्वेस्टर्स इंक्वायर्स एंड कंप्लेंट्स, मतलब जो अगर हम इससे इन्वेस्ट करते हैं या कुछ इंक्वायर्स करते हैं, शिकायत वगैरह करते हैं, तो उसके जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले जो पहला मेंबर है मिस्टर फरीद फजल, ये डायरेक्टर मार्केटिंग है, और उसका एड्रेस भी दिया हुआ है, ये मार्केटिंग रिलेटेड क्वायरीज। उसके बाद है मिस्टर इनायतुल्ला नियाजी, ये चीफ फिनेंशियल ऑफिसर है, ठीक है। इसके बाद आ गया मिस्टर खालिद महमूद चौहान, ये कंपनी सेक्रेटरी है। उसके बाद है निषाद ग्रुप्स एग्जीक्यूटिव, इसमें सबसे पहले जो है नाज मंशा नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, उसके बाद रजा मंशा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसके बाद आरिफ बशीर डायरेक्टर टेक्निकल एंड ऑपरेशंस, उसके बाद है इनायतुल्ला नियाजी चीफ फिनेंशियल ऑफिसर, उसके बाद है नौमान यकूब चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसके बाद है ब्रिग ब्रिग आर जावेद, उसके बाद है लिस्ट ऑफ डीजी सीमेंट इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। सबसे पहले जो पहली जो इंडस्ट्री है वो ये है अस्करी सीमेंट लिमिटेड, यानी कि वहां में, और ये किस सूबे में है? पंजाब में। उसके बाद है अक्सरी सीमेंट लिमिटेड निजामपुर, ये केपी की केपी के में है। उसके बाद है अटक सीमेंट पाकिस्तान हब चौकी लसबेला, ये बलोचिस्तान में है। उसके बाद बेस्ट वे सीमेंट लिमिटेड चकवाल पंजाब में है। बेस्ट वे सीमेंट लिमिटेड फरुखिया केपी के, पावर सीमेंट लिमिटेड पावर सीमेंट लिमिटेड नूरियाबाद, ये दादू में है, सिंध इसका सूबा है। लक्की सीमेंट लिमिटेड इंडस हाईवे कराची में है, सिंध इसका सूबा है। डीजी खान सीमेंट लिमिटेड डीजी खान ये पंजाब में है। डीजी खान सीमेंट लिमिटेड हब बलोचिस्तान में है। और उसके बाद लास्ट वाली जो है फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड,
फातेह छांग पंजाब, और इसके अलावा और भी खास तौर पर ज्यादा है, ये तकरीबन 25 इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान में। तो उसके बाद है डीजी सीमेंट ऑफ हेडक्वार्टर, इट इज द लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ पाकिस्तान विद अ प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये एक लार्जेस्ट यानी कि बहुत बड़ी बनी बनाई इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। तो इसकी जो कैपेसिटी है 14,000 टन पर डे है। तो इसका जो कि 3 एक्टिव प्लांट्स है विच आर प्रेजेंट इन खैरपुर, चकवाल, डीजी खान एंड हब बलोचिस्तान। ये खैरपुर, चकवाल, डीजी खान और हब बलोचिस्तान में वाकई है। और इसके कुछ फार्मरली पॉइंट्स हैं। पहला है फार्मरली डीजी खान सीमेंट, उसके बाद टाइप क्या है इसकी, पब्लिक है ये, ट्रेडेड एज क्या है इसका, मतलब तिजारत किस के हिसाब से की जाती है, या इसका लोगो है एक किस्म का, PSK रेशियो डीजी खान सीमेंट। उसके बाद ये कब बनाई गई, फाउंडेड 1986, 35 years ago। उसके बाद इसका हेड क्वार्टर जो है वो लाहौर में है। की पीपल इसका जो ओनर है मियां मोहम्मद मंशा है, और इसका रिवेन्यू है 40.38 बिलियन। और उसके बाद पेरेंट है 48.9%। उसके बाद जो इसकी वेबसाइट है, अगर कोई सर्च करना चाहता है इसको मजीद, तो उसकी वेबसाइट ये है www.dgcement.com। तो उसके बाद है इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट की जो मुख्तलिफ अकसाम होती है वो कौन सी है। सबसे पहले है ऑर्डिनेरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी OPC। उसके बाद है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट PPC। उसके बाद है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट RHC। उसके बाद है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ERHC। उसके बाद है लो हीट सीमेंट LHC। उसके बाद है सल्फेट्स रेजिस्टिंग सीमेंट SRC। उसके बाद है विच सीमेंट इज द बेस्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कौन सी सीमेंट बेस्ट है, या किस की सीमेंट, कौन सी सीमेंट है जो इस पाकिस्तान में मार्केट ज्यादा है जिसकी। तो फर्स्ट है बेस्ट वे सीमेंट, और दूसरी है डीजी सीमेंट, उसके बाद है चिराट सीमेंट, उसके बाद है मैपल सीमेंट, इसके बाद है डीजी सीमेंट सेल। इसकी जो सेल होती है वो कितना होती है, क्या होती है। डीजी सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स OPC SRC। OPC अमाउंट फॉर अबाउट 95% ऑफ द टोटल सेल डीजी खान। तो इसकी जो टोटल सेल्स होती है वो 95% होती है। तो ये एक डीजी खान हैज स्ट्रॉन्ग एंड डीप नेटवर्क डीलर्स थ्रू आउट द कंट्री, मोर देन 2,200। तो इसके जो डीलर्स है वो 22 यानी 2,200 है। तो इस 2,200 के जो डीलर्स हैं उनके दरमियान एक गहरा और मजबूत नेटवर्क है, और ये डीलर जो हैं इसके जो प्रोडक्ट है इंटरनेशनली लेवल पर वो पाकिस्तान के हर कोने कोने में मतलब फैले हुआ है ये डीलर। उसके बाद जो भी डीजी खान के बिसाइड कस्टमर है वो इस कंपनी में एक अरेंजमेंट के साथ ही मतलब पहुंचे हैं, और इसका काम सर अंजाम देते हैं अरेंजमेंट के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ करते हैं। और फ्यू ब्लॉक्स टू रीच एवरी एरिया टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड बैंकिंग सर्विसेज टू आवर कस्टमर डीजी खान। तो डीजी खान के जो जो हमारे कस्टमर्स हैं वो उसको बैंकिंग के जरिए एक सर्विस देते हैं। और उसके बाद डीजी खान के ब्रांड को भी मुतारिफ करवाते हैं। द कंपनी लोकल सेल्स आर डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स वर्सेस डीलर एंड इंटरनेशनल। बड़े डील्स करने के
के सेल्स करने के पार्ट है, हिस्से है, वो एक डीलर है और दूसरा इंटरनेशनल है। तो ये इसकी जो परसेंटेज है डीलर्स और इंटरनेशनल की, वो 6% to 8% है अंडर इंस्टीट्यूशनल सेल, यानी इदारे की सेल्स के पर होते हैं ये। मोर देन 90% ये डिजिटल कंपनी 90% ये पेमेंट करती है, एडवांस पेमेंट करती है। वो गैर मुल्की एक्सपोर्ट करती है, इसमें अफगानिस्तान आ जाता है, इंडिया आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है और बहुत से कंट्रीज है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। उसके बाद है द हब प्रोजेक्ट विद अ फ्यू व्यू टू एक्सपेंड इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। डीजी खान हैज चेजर्ड द एक्सट्रीम साउथ ऑफ पाकिस्तान। इसकी जो प्रोडक्शन है वो एक एक्सपेंड की हुई है और डीजी खान हैज मतलब डीजी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो जनूबी जनूबी है डीजी खान, वो इसकी बहुत ज्यादा है। तो इट्स हब डिस्ट्रिक्ट लसबेला। हब इज लोकेटेड अबाउट 30 किलोमीटर नॉर्थ टू वेस्ट इन कराची, द पार्ट सिटी एंड फिनेंशियल हब पाकिस्तान। तो ये हब हब लसबेला है जो एक डिस्ट्रिक्ट है और ये 30 किलोमीटर जनूब से मगरिब कराची में वाकई है और ये पाकिस्तान के फिनेंशियल हब का हिस्सा है। डीजी खान ऑलरेडी इज प्रेजेंट इन नॉर्थ एंड जनरल पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और जो डीजी खान पहले से ही एक जनूब और अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान का एक हिस्सा है। दिस प्रोजेक्ट वुड बी अ स्टेट, ये एक स्टेट की बुनियाद पर प्रोजेक्ट है। आर्ट प्रोजेक्ट इट वुड बी अ एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड, और ये एक एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड की बुनियाद पर आर्ट पर मुश्तमिल है। द प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द इट्स काइंड 9,000 टाइप सिंगल प्रोडक्शन यूनिट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो इसकी सिंगल प्रोडक्शन है उसकी 9,000 टाइप टीपीडी है। तो उसके बाद है द अपकमिंग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसकी पाकिस्तान चाइना के साथ भी एक इकोनॉमिक लेवल पर हॉरिजॉन कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट भी जाएगा। तो बेनिफिट्स फ्रॉम दिस सीपैक विल बी रीप्ड बाय बलूचिस्तान वुड हैव मोर देन 35% पार्ट ऑफ सीपैक। तो इसको इससे सीपैक से बहुत फायदा उठाया जा रहा है और बलूचिस्तान तक से चाइना से बलूचिस्तान तक, वो और उसका जो 30% 35% पार्ट का फायदा हो रहा है। द प्लांट मेक विल बी अ यूरोपियन ओरिजिन, पायरो प्रोसेस इज टू बी ऑब्टेन फ्रॉम अ एडम स्मिथ ऑफ डेनमार्क सीमेंट मिल्स। कोल्स मिल्स आर प्लांटेड टू बी फ्रॉम लोजेज ऑफ केम जर्मनी। उसके बाद है लोन्स टू निशात होटेल्स एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड और S1 बिलियंस। डीजी खान कंपनी लिमिटेड हैज एक्सटेंडेड वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ पीकी और 1 बिलियन निशात होटेल्स एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड हैज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर। और इसकी जो डीजी खान की जो एक्सटेंडेड वर्किंग कैपिटल है, सरमाया है, वो एक 1 बिलियन निशात ग्रुप, यानी कि निशात ग्रुप की जो एक्सटेंडेड वर्किंग है वो 1 बिलियन है। तो उसमें शेयर होल्डर अप्रूव्ड है इन दिस एनुअल मीटिंग हेल्ड इन अक्टूबर, और इसकी जो मीटिंग हुई थी अक्टूबर 31, 2016 में हुई एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 3 months ऑफ KIBOR पी ओवर डब्ल्यू ऑफ 0.50% 0.50% पीरियड ऑफ 1 year स्टार्ट
डेट ऑफ एजीएम, और इसका जो पीरियड था 3 मंथ्स का था, और इसका इसके दौरान जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.50% था। तो उसके बाद द शेयर होल्डर ऑन एजीएम हेल्ड इन अक्टूबर 28, 2017 अप्रूव रिवोवल ऑफ सेट देन फर्दर मिलियंस मार्केट नहीं पीरियड ऑफ स्टार्टिंग ईयर एजीएम हेल्ड इन अक्टूबर 20 ईयर मार्केटिंग ऑन सेट इन्वेस्टमेंट लास्ट 2 ईयर। मतलब जो 2017 में जो इसकी इन्वेस्टमेंट हुई वो एक 110 मिलियन 110 मिलियन मार्केटिंग हुई। तो 2 साल के बाद ही जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की थी उनको यही मतलब 110 मिलियन मार्केटिंग मिली। तो उसके बाद निशात होटल्स एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 4 अक्टूबर 2007 एज अ पब्लिक कंपनी। तो 4 अक्टूबर 2007 को ये एक पब्लिक कंपनी की प्रॉपर्टीज निशात होटल्स एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड की बुनियाद पर कॉपरेट किया। उसके बाद उसने एक शेयर्स भी किए, इट्स अथराइज शेयर कैपिटल, और इसका जो सरमाया था वो तकरीबन 10 बिलियन रुपीस ओनली था। तो उसको उन्होंने डिवाइड किया 1 बिलियन शेयर ऑफ ईच, यानी कि हर शेयर्स के साथ 1 बिलियन ऑफ ईच, यानी पी के आर जिसका बनता है 10 ईच, यानी कि हर किसी को 10 मिला। तो उसके बाद NHPL इज नॉट अ मेंबर ऑफ कंपनी, और जो ये जो NH कंपनी का मेंबर नहीं है, इट्स डायरेक्शंस ऑफ द कंपनी दे हैव नॉट इंटरेस्ट एक्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट शिप एंड द एक्सटेंट ऑफ दियर शेयर होल्डिंग इन द कंपनी। तो मेरे ख्याल में समय तो आ गई होगी, अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकता है मेरे से, किसी का क्वेश्चन है।